Hello, good morning students. Now I will आज मैं आपको टॉपिक समझा रही हूँ. पीपीटी ऑन एक्सप्लेन द टॉपिक एक्सप्लेन टेपोलॉजीज. फर्स्ट टॉपिक इज दैट टेपोलॉजी एंड विद द हेल्प ऑफ पीपीटीज. ठीक है, I will share the PPT and with the help of PPT, I will explain. Good morning, students. I will explain topologies with the help of PPTs. Okay. And the topic is that PPT and its type. How to define topology? What do you mean by topology? Topology means just to define the structure of network. It means that to define the structure of your network and how many ways to connect your network and how many ways to design your network. हम कितने तरीकों से अपने network को design कर सकते हैं. ठीक है, it is known as topology. ठीक है, अब topology क्या define कर रही है? The effort to lay out of connected devices on a network. आपके उन layouts को बता रही है कि कितने devices हमारे connected हो. हमारे पास अलग अलग तरह की topologies होती हैं. There are, ठीक है, bus topology, ring, bus, star, tree, mesh and hybrid topology. ये topologies हमारे पास होती हैं. ठीक है, इनके थ्रू जो है इनके ये डिजाइनिंग होती है, पर इनके थ्रू हम जो भी डाटा इनके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आपका डाटा ट्रांसमिट होता है. सबसे पहले हमारे पास आती है बस टेक्नोलॉजी. अब बस की अगर हम बात करें तो अगर आप सिंपल अगर लैंग्वेज में डिफरेंस एग्जांपल है, बस क्या है? बस क्या बिल्कुल स्ट्रेट होती है. इट्स अ स्ट्रेट इन मीन्स दैट इज हॉरिजेंटल. वर्टिकल तो नहीं है हमारी बस, तो इट्स मीन्स दैट योर बस इज दैट हॉरिजेंटली है. मीन्स दैट हॉरिजेंटल्स में कैसे? Means that एक सीट दूसरी सीट के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, मीन्स दैट इट्स हॉरिजेंटल. अगर हम वर्ड पे फोकस करें, अभी हम डेफिनेशन पे नहीं जाना है, हमने सिर्फ वर्ड पे फोकस करना है. ठीक है, वर्ड के फोकस पे क्या? बस. बस अगर सिंपल बस का आप एग्जाम्पल लें तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो बस है वो हॉरिजेंटल बिल्कुल स्ट्रेट है. ठीक है, अब बस टोपोलॉजी में क्या होता है? मीन्स एक देखिए यहाँ पर आपका, ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम है आपका. देखिए यहाँ पर क्या है, सारे डिवाइसेस हॉरिजेंटली कनेक्ट है, ये सारे पीसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, अब इस तरीके से किस तरीके से है? द बस टोपोलॉजी इज डिजाइन इन सच अ वे दैट ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड थ्रू सिंगल केबल. जितने भी आपके कनेक्शन स्टेशन है वो कनेक्टेड होंगे एक सिंगल केबल के थ्रू आप. ठीक है, अब क्या है और उसे हम क्या कहते हैं? इट इज योर बैकबोन, क्योंकि ऑल आर कनेक्टेड टू सिंगल केबल, इस केबल्स के साथ कनेक्टेड है. ठीक है, उसके बाद आता है ईच नोट आइदर कनेक्टेड टू द बैकबोन केबल बाय द ड्रॉप लाइन. इट्स योर ड्रॉप लाइन जिसके थ्रू हम पीसीस को कनेक्ट करें एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन ऑफ द केबल्स. ठीक है, मीन्स दैट. और नेक्स्ट क्या चीज है? When a node wants to send a message, अगर मैसेज है, अगर नोड क्या है, एक नोड है, नोड हम एक पीसीस डिवाइसेस को ही कह रहे हैं. ठीक है, नेटवर्किंग में वर्ड जो यूज किया है वो डिवाइस होता है ताकि. ठीक है, When a node wants to send message over the network, it puts a message over the network. All stations available in the network will receive the message, whether it has been addressed or not. अब यहाँ पर क्या है कि हम जब डाटा भेज रहे हैं तो वो डाटा सब नोड्स के पास जाएगा, बट उस डाटा को एक्सेप्ट वो ही करेगा जिसका एड्रेस डिफाइंड है. इट्स क्लियर? बस टोपोलॉजी में मींस क्या है कि जो आप डाटा ट्रांसमिट करेंगे वो डाटा सब नोड्स के पास जाएगा, बट उस डाटा को एक्सेप्ट वो ही करेगा जिसका आपके पास उसका एड्रेस डिफाइंड है. क्लियर है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी. एडवांटेजेस क्या है? लो कॉस्ट है, मॉडरेटेड डाटा स्पीड है. ठीक है, आपके पास 10 Mbps की स्पीड आ रही है. फैमिलर टेक्नोलॉजी है एंड लिमिटेड फेलियर. कि अगर एक भी नोड, देखिए लो कॉस्ट मींस दैट ज्यादा नहीं है, एक सिंगल केबल उसके साथ हम सारे पीसेस कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट पासिंग थ्रू द हब, कोई भी हब या स्विच. ठीक है,
इग्निशियल, ठीक है. मॉडरेटेड स्पीड मींस दैट क्या, जो यहाँ पर स्पीड है को एक्सिकल ट्विस्टेड पेयर केबल हम यूज कर रहे हैं जो सपोर्ट कर रही है 10 Mbps की स्पीड को, तो ज्यादा हमारे नहीं है. पैमला टेक्नोलॉजी मीन्स डेट इजी इंस्टॉल हो जाती है. ट्रबल शूटिंग टेक्निक मीन्स डेट अगर कोई एरर आता है या हर कोई भी आता है तो हम इजिली उसको कनेक्टेड कर सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं. लिमिटेड फेलियर क्या है, मीन्स डेट अगर कोई भी या फेलियर वन नोड विल बी हैव एनी इफेक्ट टू अनदर, अगर कोई भी नोड में हमारी प्रॉब्लम आ रही है तो उस नोड को हम इजिली रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह दूसरा कनेक्शन भी स्टेब्लिश कर सकते हैं. इट इज योर एडवांटेज. डिसएडवांटेज में क्या आ रहा है, एक्सटेंसिव केबल मीन्स डेट जो क्या है इसकी, मीन्स डेट जो टेक्नोलॉजी बस क्वाइट सिंपल, बिल्कुल सिंपल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इजिली कर सकते हैं, कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है, तो मीन्स डेट अकॉर्डिंग टू नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है. डिफिकल्ट ट्रबल शूटिंग मीन्स डेट, ठीक है, टेस्ट इक्विपमेंट डिटरमाइन फॉल्ट करना, फॉल्ट अगर अकर हो गया आपके केबल में तो वो डिस्टर्ब कर देगा. अगर केबल में एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड है, अगर एक सिंगल केबल वहां पर डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही कोई नहीं, लेकिन अगर सिंगल केबल में आपकी प्रॉब्लम आती है तो ऑटोमेटिकली हमें पूरा का पूरा जो डिजाइन है उसको हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज दैट सिग्नल इंटरफेरेंस. सिग्नल इंटरफेरेंस मीन्स डेट इफ टू नोड्स सेंड द मैसेज सिमल्टेनियसली, मीन्स डेट एक से ज्यादा नोड्स को जो मैसेज हम सिमल्टेनियसली दे सकते हैं, ठीक है, ये इंटरफेरेंस है.